आज से बंगाल और असम में मतदान का आगाज। पहले चरण में बंगाल में 30 और असम की 47 सीटों पर वोटिंग। बंगाल के ईस्ट मिदनापुर, वेस्ट मिदनापुर, झारग्राम में मतदान। पुरुलिया और बांकुरा में भी वोटिंग। बंगाल में 30 सीटों पर मतदान में 191 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। शाम 6:30 बजे तक डाले जाएंगे वोट। पहले चरण में मतदान के लिए सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम। 684 कंपनियों की तैनाती। असम में 47 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग। 12 जिलों में हो रहा है मतदान। 47 सीटों के लिए करीब 81,09,000 मतदाता। 264 उम्मीदवारों की किस्मत का करेंगे फैसला। पहले चरण में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की किस्मत भी दांव पर। बंगाल के बांकुड़ा में मतदान से ठीक एक दिन पहले टीएमसी दफ्तर में बॉम्ब ब्लास्ट। 3 लोग जख्मी। तृणमूल कांग्रेस ने लेफ्ट कांग्रेस पर लगाया धमाके का आरोप। राज्यपाल धनखड़ ने जताई चिंता। पीएम मोदी ने बांग्लादेश के साथ भारत के मजबूत होते रिश्तों की कही बात। कहा, दोनों देशों की दोस्ती पर मुझे गर्व है। अपने संबोधन में बोले प्रधानमंत्री मोदी, बांग्लादेश की आजादी के लिए मैंने भी दी थी गिरफ्तारी। ये मेरे जीवन के पहले आंदोलनों में से एक। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या में बड़ा इजाफा। 24 घंटे में करीब 37,000 नए मामले। 112 लोगों की गई जान। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उद्धव सरकार का बड़ा फैसला। 28 मार्च से पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू। मध्य प्रदेश के 5 और शहरों में संडे लॉकडाउन का ऐलान। कुल 12 शहरों में सख्ती बढ़ाई गई। राज्य में कल 2,091 नए मामले। लोकल लॉकडाउन से नहीं रुकेगी कोरोना की दूसरी लहर। एसबीआई की रिपोर्ट में दावा, अगले 100 दिन तक असर जारी रहेगा। पुणे के फैशन स्ट्रीट मार्केट में भीषण आग से बड़ी तबाही। करीब 450 दुकानें खाक। करोड़ों के नुकसान की आशंका। हालात पर काबू। दूसरे वनडे में इंग्लैंड ने भारत को हराया। 39 गेंद बाकी रहते हासिल किया 337 रनों का लक्ष्य। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज बायस्टो ने जड़ा शतक। जॉर्डन रॉय और बेन स्टोक्स ने बनाई 50। दूसरे वनडे में जीत के बाद सीरीज में 1-1 की बराबरी। रविवार को होगा तीसरा और निर्णायक मुकाबला।